जो भी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, सबसे पहली बात कि पर्याप्त नींद लें, सोएं, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि बच्चे साल भर तो नहीं पढ़ते हैं और सोचते हैं परीक्षा के समय में ही जो छूटा छुटाया है जल्दी जल्दी सारे मॉडल पेपर किताबें रात पढ़ते हैं। नींद अगर आप पर्याप्त नहीं लोगे तो आपका जो दिमाग कंसंट्रेट नहीं रहेगा, परीक्षा के दौरान आप भूलोगे। नींद होनी चाहिए तभी आपको पुराना याद आएगा, नहीं तो नींद ही भरी रहेगी तो पुराना याद नहीं आएगा। दूसरी बात कि परीक्षा केंद्र पर कोशिश करें कि 40 मिनट पहले पहुँचें, क्योंकि आप एंड टाइम पे निकलेंगे और आप कहीं मोटरसाइकिल पंक्चर हो जाए या कहीं जाम लगा हो या मान लीजिए तबीयत ख़राब हो जाए या थोड़ी बहुत चोट लग जाए, तो 40 मिनट पहले पहुँचो। हमेशा कभी भी परीक्षा दो तो परीक्षा केंद्र पर समय से बहुत पहले पहुँच जाओ। दूसरी बात, पेपर देते समय टाइम मैनेजमेंट, 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलते हैं, ठीक है पेपर पढ़ लीजिए। दूसरी बात कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना, बाद में करना, किस क्वेश्चन कितना समय देना, पता लगा दो चार क्वेश्चन में ही पूरा समय निकाल दिया, बहुत सारे फिर क्वेश्चन छूट गए। प्रश्न का उत्तर देते समय कोई भी प्रश्न है आप उत्तर दें, उसके साथ साथ अगर उससे संबंधित चित्र है तो चित्र जरूर बनाएं, उसके बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। चित्र से समझ में भी आ जाता एग्जामिनर को कि आपने क्या लिखा, आप क्या कहना चाहते हैं। तो कोई भी बेशक वो हिंदी का वगैरह, उसमें अगर चित्र बना सकते हो तो आप चित्र जरूर बनाएं। इसीलिए ड्राइंग का अभ्यास करते रहना चाहिए। लोग कहते हैं अरे कला क्या सीखो, नहीं कला का काम बहुत है। दूसरी बात कि पेपर समय से पहले हल कर लें, 3 घंटे का अगर है तो आप कोशिश करें कि आपका पेपर 2.5-3 घंटे में हल हो जाए, जो 15 मिनट बाद में दोहराने को, कहीं कुछ छूट गया, कुछ गलती हो गई हो, कहीं अंडरलाइन करना हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती। देखिए पढ़ते तो सब हैं लेकिन सलीका होना चाहिए पढ़ने का और परीक्षा उत्तर देने का। होता आपकी आपको आता बहुत अच्छा है लेकिन आपको लिखने का अभ्यास नहीं है या आप लिख नहीं सकते उसको कि हम इसे लिखें कैसे। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आनी चाहिए तो अच्छे नंबर मिलते हैं। और निश्चित ही हाई स्कूल की परीक्षा पहली बोर्ड परीक्षा होती, पहले कक्षा 8 में भी बोर्ड परीक्षा होती। हाई स्कूल से ही जीवन की दिशा निर्धारित हो जाती कि अब आप आगे क्या करेंगे। तो आगे क्या करना इसके लिए हाई स्कूल में लोग समझ जाते, हाई स्कूल में आपके अच्छे नंबर हैं तो आपको मान लिया जाता है आप पढ़ने में अच्छे हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। आप होशियार बहुत हैं और हड़बड़ा के एंड टाइम पे पहुंच रहे हैं, पता लगा कि या प्रवेश पत्र और ये, हाँ और जो आपके प्रवेश पत्र ये सब पहले से ही ध्यान से रख लें, जो भी आईडी वो रख लें, चले गए प्रवेश पत्र घर पे ही भूल गए, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है तो आपको अच्छे नंबर मिले।